वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम एक 1999 में रिलीज मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वोरोशिलोव शार्प शूटर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडडॉटर के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले बदमाशों से बदला लेते हैं। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन पे क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। काटिया अफोनिया एक 20 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो एक रशिया के स्मॉल टाउन में अपने दादा इवान के साथ रहती है। काटिया के ग्रैंडफादर पहले आर्मी में थे। अपने दादा के साथ काटिया एक सिंपल और हैप्पी लाइफ लीड कर रही थी। उनके नेक्स्ट बिल्डिंग में लड़कों का एक ग्रुप रहता है। ये लड़के पूरी तरह से बिगड़े हुए थे। वो दिन भर दारू पीते और लड़कियों से बदतमीजी करते। हर वेनसडे को वो किसी प्रोस्टिट्यूट को घर बुला के पार्टी करते थे। इस वेनसडे उन्हें कोई और लड़की उनके साथ पार्टी करने के लिए नहीं मिली। तभी उनकी नज़र रास्ते से जाते हुई काटिया पर पड़ी। उनमें से एक लड़का वादिम, जो काटिया का क्लासमेट हुआ करता था, वो बाकी दो लड़कों से कहता है कि वो काटिया को जानता है, तो उन्होंने वादिम को उसे रूम पे बुलाने के लिए कहा। वादिम अच्छे से जानता था कि ये लोग काटिया को रूम पे क्यों बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो यही चाहता था। तो वो और उसका और एक दोस्त इगोर नीचे जाते हैं काटिया से बात करने। वो काटिया से कहते हैं कि आज बोरिस का बर्थडे है और सिर्फ काटिया ही उसे चेयरअप कर सकती है। लेकिन काटिया को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था और उसके दादाजी भी उसका घर पे वेट कर रहे थे, तो वो लड़के उसे इंसिस्ट करते हैं। काटिया मान जाती है, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट ही वहाँ रुकेगी, ये कंडीशन रखती है। अपार्टमेंट के अंदर आते ही काटिया नोटिस करती है कि टेबल पे काफ़ी सारी अल्कोहल्स की बॉटल्स रखी है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन वो वैसे उन्हें नहीं दिखाती। फिर वो काटिया को फोर्स करते हुए बियर पिलाते हैं। तभी इगोर काटिया को बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए कहता है और ये मौका देखकर बोरिस ने उसके ग्लास में कुछ मिला दिया। लड़के काटिया से कुछ ज्यादा ही करीब जाने का ट्राई कर रहे थे, तो काटिया वहाँ से निकलने के लिए उठती है। वो जैसे ही उठी उसे थोड़ा डिजी फील हुआ, तो वो फिर से बैठ जाती है। वो काटिया को घेरते हुए उसे एक दूसरे रूम में लेके गए और फिर उसे मारते हुए उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। काटिया में प्रोटेस्ट करने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अभी बाहर अंधेरा होने लगा था। कुछ देर बाद जैसे ही काटिया वहाँ से जाने लगी, तो एक लड़के ने उसके पर्स में कुछ पैसे डाले ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। काटिया कुछ भी कहने की हालत में ही नहीं थी। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। नीचे आकर उसने अपने पर्स में रखे हुए पैसे फेंक दिए। काटिया के निकलने के बाद वादिम को थोड़ा सा डर लग रहा था कि काटिया उनकी कंप्लेंट ना कर दे, पर बाकी दो लड़कियों को पता था कि वादिम के फादर पुलिस में हायर पोजीशन पे है, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। काटिया घर आकर डोर बंद करके रोने लगी। उसके ग्रैंडफादर को उसकी हालत देखकर समझने में देर नहीं लगी कि काटिया के साथ क्या हुआ है। वो काटिया को एक रूम में ले गए और उसे शांत किया, लेकिन वो खुद गुस्से से भर गए थे। जब उन्हें पता चला कि ये सब उनके एरिया में रहने वाले लड़कों का काम है, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए वो जा रहे थे। तभी उनके दूसरे नेबर ने उन्हें रोका और जब उसे काटिया के बारे में पता चला, तो उस नेबर ने सबसे पहले पुलिस को कॉल करने का सुझाव दिया। काटिया के ग्रैंडफादर ने वैसे ही किया। हम पुलिस को आते हुए देखते हैं। वो अपार्टमेंट में जाकर उन 3 लड़कों को अरेस्ट करते हैं। वो पुलिसमैन भी उतने ही गुस्से में था जितने के काटिया के ग्रैंडफादर थे। पुलिस तीनों को अलग अलग रूम्स में लेके गए। पहले तो वो तीनों उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने सच नहीं कहा तो तुम्हें प्रिजन में उन क्रिमिनल्स के साथ डाल दूंगा जहाँ वो तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो तुमने काटिया के साथ किया, बोरिस जुर्म कबूल करता है कि उन्होंने काटिया को रूम पर बुलाकर उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। तभी वादिम के फादर निकोलाय, जो पुलिस कर्नल है, वो अपनी अथॉरिटी का यूज करके पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि क्रिमिनल्स को उनके ऑफिस लाया जाए और ये मैटर उन्हें हैंडओवर कर दे। पुलिस ने कहा कि क्रिमिनल्स ने अपना जुर्म कबूल किया है और उन्हें बेडशीट मिली है जिस पर काटिया का खून लगा है, मतलब वो गिल्टी है और उन्हें इमीडिएटली कस्टडी में लेना होगा। अपने गुनहगार बेटे को बचाने के लिए निकोलाय फिर से पुलिस को उनके कस्टडी में उन्हें देने के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो वो पुलिसमैन ने उन्हें वो जो ऑर्डर दे रहे हैं वो ऑर्डर राइटिंग में देने के लिए कहा। इस बात पर जूनियर पुलिस वाले ने कहा कि ये तीनों हर वेनेसडे को यही सब करते हैं। अभी तक बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्होंने गलत किया है। उनके नेबर्स भी उन लड़कों के खिलाफ ही गवाही देते हैं। फॉर टाइम बीइंग वादिम के फादर वहाँ से चले गए।
लेकिन ये पक्का था कि वो अपने पावर और पोजीशन के साथ अपने बेटे को जरूर फ्री कर लेंगे। दूसरे दिन इवान की नींद टूटती है। उन्हें काटिया रूम में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चेक करने पर काटिया ने खुद को बाथरूम में बंद किया था। वो मिरर के सामने खड़ी थी और कहती है कि वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही है। ये सुनकर इवान को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इवान ने उसके ऊपर के फ्लोर पे रहने वाली फीमेल डॉक्टर को काटिया को चेक करने के लिए बुलाया, लेकिन इस बात के लिए काटिया मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि ये बात और किसी को पता चले। इवान रिवील करता है कि सारे नेबर्स को ये बात पता है क्योंकि कल पुलिस आई थी। सबको सब कुछ पता है। ये सुनकर काटिया और भी ज्यादा डर गई, क्योंकि अभी पूरी जिंदगी सब उसे सिर्फ इस बात के लिए ही जानेंगे कि इस लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। डॉक्टर ने आके काटिया का चेकअप किया और कहा कि काटिया फिजिकली वीक है और उसे कुछ दिनों के लिए घर पे रेस्ट करना होगा। उसी दिन इवान को पता चला कि वादिम के फादर के इन्फ्लुएंस के वजह से उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया गया है। उन्हें सब पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ठान लेते हैं कि वो अपने ग्रैंडडॉटर को जस्टिस दिलाकर ही रहेंगे। दूसरे दिन इवान काटिया को लेकर फिर से पुलिस स्टेशन गए, लेकिन ये ऑफिसर करप्ट था। वो काटिया की कंप्लेन लेने के बजाय उल्टा उस पर हंसते हुए उन लड़कों के साथ क्यों ज्यादा फ्रेंडली हुई इस बात पर उसे ब्लेम करता है। वो आगे कहता है कि काटिया ने जानबूझकर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए ताकि उनमें से कोई उसके साथ शादी कर सके। ये सब सुनकर काटिया को लगा कि उसे जस्टिस नहीं मिलने वाला और उसके साथ जो भी हुआ है वो उसे भूलना होगा। लेकिन दूसरी ओर इवान गिव अप नहीं करते। वो तीनों लड़के अपने कार में बैठकर चिल कर रहे थे। उन लड़कों के पास जाकर इवान खड़े हुए। उन लड़कों के टोकने पर इवान ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनके चेहरे याद कर रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। इवान के इस हरकत को वो तीनों इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। इवान वहां से अपने पुराने दोस्त जो जज भी है उनके पास हेल्प मांगने गए, लेकिन काटिया के परवरिश पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें काटिया की परवरिश अच्छे से करनी होगी ताकि वो आगे जाके कहीं प्रोस्टिट्यूट ना बन जाए। इवान उसे कॉस करते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद इवान डिसाइड करता है कि ये मैटर वो अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। वो अपना दूसरा घर एक रिटेलर को $5,000 में बेच देता है और वो इन पैसों का यूज अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करेंगे। दोपहर में जब इवान घर आए तो काटिया ने वादिम के फादर घर आके उसे पैसों का एनवलप दे गए है ये इन्फॉर्म करती है। गुस्से में इवान वो एनवलप को लेकर वादिम के फादर के मुंह पे फेंक के मारते हैं। उसके बाद काटिया इवान को इन्फॉर्म करती है कि उनके आंट ने उनके घर की कीज रखी है और उन्होंने उनके बर्ड्स का टेक केयर करने के लिए भी कहा है। इवान उस अपार्टमेंट में जाते हैं और नोटिस करते हैं कि उन तीन लड़कों का घर बिल्कुल सामने ही था। इस बात का इवान फायदा उठाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे इवान मार्केट जाकर एक ऑफिशियल वेपन सेलर से मिलते हैं। इवान के उसे राइफल के बारे में पूछने पर वो थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि उसके पास वो नहीं है जो इवान को चाहिए। इवान वहां से जाने वाला होता है कि तभी दूसरा एक सेलर आके उसने उनका कॉन्वर्सेशन सुन लिया है ये कहता है और वो कन्फर्म करता है कि उसके पास वो है जो इवान को चाहिए। वो इवान को अपने साथ लेके जाके उन्हें ऑप्शंस दिखाते हैं। इवान को एक SVD स्नाइपर राइफल पसंद आती है तो वो उसे खरीदने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फाइनल करने से पहले वो डमी पे शॉट लगाते हैं और एक भी शॉट मिस नहीं करते। उस राइफल पर साइलेंसर लगा था तो सेलर समझ गया कि इवान ये गन इनलीगल पर्पस के लिए यूज करेगा। यह घर पे काटिया से मिलने उसकी मदर उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है और वो दोनों के लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। वो काटिया को जो भी कुछ हुआ उसे भुलाकर न्यू लाइफ स्टार्ट करने को कहती है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि यह वो अपने बेटी काटिया के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए आई थी। वो यहाँ तक कह देती है कि इवान को वादिम के फादर ने दिए हुए पैसे लेने चाहिए थे। इस बात पर इवान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट डे इवान अपने फ्रेंड्स के साथ चेस खेलने पार्क जाता है और तभी उसने बोरिस को कार से घर आते देखा। इवान सीक्रेटली उस घर में जाके अपने राइफल से उस पर निशाना लगाता है और जैसे ही बोरिस निशाने पर आया इवान ने बोरिस के प्राइवेट पार्ट पर उसे परफेक्टली शूट कर दिया। काम होने पर इवान गन को छुपा कर फिर से गेम में वापस आ गया। वो प्रिटेंड करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोरिस के फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में निकोलाई वादिम और इगोर को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये पूछते हैं। उन्हें लगा कि लड़के गन से खेल रहे होंगे और गलती से गोली बोरिस को लगी होगी।
लेकिन दोनों कहते हैं कि वो लोग सिर्फ बात कर रहे थे। उनके बात पर निकोलाई उन्हें संभाल कर रहने को कहते हैं। उन्हें लगता है कोई इन तीनों से रिवेंज ले रहा है। पुलिस इस इंसिडेंट को लेकर इवान को सस्पेक्ट मान रही थी। उसके पास रिवेंज लेने के लिए परफेक्ट रीजन जो था। वो इंस्पेक्टर जानता था कि कभी ना कभी निकोलाई इवान के पास जरूर आएगा। कुछ दिन बाद इवान फिर से आंटी के घर गए और इस बार उनका टारगेट इगोर था। इगोर अपने गाड़ी में आराम से गाने सुन रहा था, तभी इवान उसके कार के गैस टैंक पे शूट करता है। गैस टैंक एक्सप्लोड हो गया और इस वजह से इगोर के लोअर बॉडी में आग लग गई। वहाँ पे खड़े लोग इगोर की हेल्प करते हैं, लेकिन आग के वजह से उसकी लोअर बॉडी कुछ ज्यादा ही जल गई थी और इस वजह से वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस इंसिडेंट के बाद वादिम के फादर उनके बेटे को सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि शूटर उसे कभी भी और कहीं भी ढूंढ सकता है। ये बात सुनकर वादिम की तो हालत खराब हो गई थी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर इवान के घर उस एक्सीडेंट के बारे में बात करने गया। वहाँ उसे इवान तो नहीं पर काटिया मिलती है। काटिया इवान के बारे में पूछने पर वो रिवील करती है कि उसके ग्रैंडफादर कभी कभी उनके आंट के घर जाते हैं उनके बर्ड्स को देखने। तभी उस इंस्पेक्टर ने रियलाइज किया कि ये घर बिल्कुल उन लड़कों के घर के सामने है, तो वो चुपके से कीज लेकर उस घर को चेक करने गए। यहाँ इवान के घर निकोलाई और उनके दो करप्ट ऑफिसर सर्च वारंट के साथ आते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि इवान ही इन दो एक्सीडेंट के पीछे है, तो वो तीनों घर में उस राइफल को ढूंढते हैं। पूरा घर सर्च करने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन तभी काटिया की आंटी इवान के घर आकर कीज के बारे में पूछती है। पुलिस काटिया के आंटी के घर पर भी सर्च करती है। उसने राइफल को यही छुपा के रखा था, तो इवान को थोड़ा सा डर लग रहा था। पुलिस को वहाँ भी कुछ नहीं मिला और ये इस बात पर इवान सरप्राइज होता है। इवान से निकोलाई उसके बेटे को कुछ भी ना करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इवान ने कहा उसे पहले ही कुछ हो गया है। निकोलाई को यह सच लगा और वहाँ से वो वादिम को चेक करने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद इवान आंटी से कहता है कि उसने वादिम को सच में कुछ नहीं किया, मगर वादिम एक रेपिस्ट है और इससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है। निकोलाई घर जाके डोर पे थाप मारते हुए वादिम को आवाज लगाते हैं, लेकिन वादिम तो जैसे अपने होश में ही नहीं था, तो वो बिना देखे डोर के तरफ शूट कर देता है। वो गोली निकोलाई को लगती है। वादिम को देखकर लग रहा था कि वो अपनी सैनिटी खो चुका है। पुलिस साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है, लेकिन उसे देखकर उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत ही कम थे। नेक्स्ट सीन में हम इवान को उस इंस्पेक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो उन्हें अपने घर में छुपाई हुई इवान की राइफल दिखाता है। उसने वो गन छुपाई थी ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना सके। वो जानता था कि लड़के निर्दोष नहीं है और वादिम के फादर के वजह से ये सिस्टम उन्हें सजा नहीं दिला सकती। वो इवान को सिर्फ एक वार्निंग देकर जाने देता है। इवान घर आते हैं तो वो काटिया को एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाते हुए देखते हैं। इसका मतलब वो अभी अंदर से भी हील हो रही थी। इवान ने तीनों लड़कों को जान से नहीं मारा, लेकिन उनकी हालत मरने से भी बदतर कर दी। और इस परफेक्ट रिवेंज के साथ ये कहानी यही पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।